अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, स्टार्ट करते हैं टॉपिक क्लास 10 का चैप्टर नंबर 17। और चैप्टर नंबर 17 आज हमने स्टार्ट करना है, चैप्टर नेम है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। अब स्पोर्ट एंड मूवमेंट के हवाले से हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को एक कंप्लीट जो बॉडी स्पोर्ट मिले और हम इस बॉडी स्पोर्ट की मदद से जो चलते हैं, ठीक है, जो मूव करते हैं, जो हरकत करते हैं, जो बात करते हैं, ये सारी स्पोर्ट जो हमें मिल रही है उसके बारे में और मूवमेंट के बारे में। तो स्पोर्ट एंड मूवमेंट को सबसे पहले हम जिस टर्म से बयान करते हैं तो वो पहले मूवमेंट ही है। मूवमेंट क्या है? मूवमेंट को हम बयान करें तो एक्ट ऑफ द चेंजिंग प्लेस, ठीक है। एक्ट यानी कि कोई भी काम करना जिसमें हम अपनी प्लेस को चेंज करें, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। लाइक मैं यहाँ से यहाँ तक मूव करता हूँ तो ये चेंजिंग प्लेस के हवाले से बात है। तो ये मेरा हरकत करना ये जो है चेंजिंग प्लेस। और पोजीशन ऑफ दी इंटायर बॉडी यानी कि अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज करना, ठीक है, या बॉडी पार्ट्स की पोजीशन को चेंज करना मूवमेंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस जगह पे हूँ तो मैंने ऐसे मूव किया, ये इंटायर बॉडी मूवमेंट होगी और बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट कि मेरी नेक जो है वो इस रीजन पे या इस रीजन पे जो है इस पॉइंट पर या इस साइड पर जो है वो मूव करती है, तो ये मेरी बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट है, ठीक है। फिर मेरा बेटा बात करते हैं हम लोकोमोशन की। लोकोमोशन और मूवमेंट के अंदर डिफर है और आपने ये मोड के अंदर जो है वो डिफरेंस के हवाले से ही बात करनी है। शॉर्ट कैसे भी आ सकता है डिफरेंटिएट बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, और एग्जांपल भी ये एमसीक्यू भी आ सकता है। तो लोकोमोशन के बारे में जब बात करें तो एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। आसान सी मिसाल इसकी आपने अपने घर में लगे प्लांट्स देखे, प्लांट्स कभी भी एक जगह से उठकर दूसरी जगह नहीं जाते। मीन आपने एक प्लांट अपने लॉन में लगाया, वो रात को आपको आपके टीवी लॉन्च में मिला या आपके किचन में मिला, हरकत करके वहां तक चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लांट्स अपनी पोजीशन पर भरे हुए, उन्होंने अपनी विड्थ और लेंथ में जो है वो इंक्रीजिंग करनी होती है, तो ये उनकी मूवमेंट है अपने पॉइंट अपने एक्सिस पर रहकर। लोकोमोशन एनिमल लाइक आपने कैट जो है वो घर में पेट एनिमल पाल रखा है और वो कैट जो है वो सारा दिन कभी उस रूम में भाग रही है कभी उस रूम में भाग रही है, तो ये उसका एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना लोकोमोशन कहलाता है। नेक्स्ट मेरा बेटा, अब ये लोकोमोशन और मूवमेंट कौन प्रोवाइड करता है इसके बारे में हम बात करते हैं, तो ये हमारा स्केलेटन प्रोवाइड करता है। तो स्केलेटन की जब हम बात करें तो ये हमारे पास आ गया हमारा पार्ट स्केलेटन। जी तो लोकोमोशन मूवमेंट सपोर्ट हमें कौन प्रोवाइड करेगा? हमारा स्केलेटन। स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन इज अ फ्रेमवर्क जो कि हार्ड आर्टिकुलेटेड फ्रेम है, प्रोवाइड करता है अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। हमारे जो गोश्त, ये जो मसल जो हमारी हड्डियों से जुड़े हुए हैं, ये स्केलेटल मसल्स हैं, इनकी अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। और इसी स्केलेटल मसल्स प्लस स्केलेटन के साथ जो है हमारी प्रोटेक्शन और हमारी सपोर्ट और हमारी मूवमेंट होती है। अब हम स्केलेटन को बयान करें तो स्केलेटन जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, टू इसके अंदर जो है वो कैटेगरीज आ रही हैं, तो स्केलेटन की जो है वो हम टू टाइप्स देखते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो स्केलेटन की टू टाइप्स है। स्केलेटन दो तरह से हो सकता है, एक मेरा बेटा एक्सोस्केलेटन है और एक एंडोस्केलेटन है। एक्सो एज द नेम, एक्सो मीन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऐसा स्केलेटन जो कि बॉडी के आउटसाइड होगा वो एक्सो, एंड एंडो द इनसाइड ऑफ द बॉडी, ऐसा स्केलेटन जो इनसाइड ऑफ बॉडी होगा वो एंडोस्केलेटन कहलाएगा। एक्सो में जो है वो आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं इंसेक्ट्स। अब आपके घर में एक प्यारा सा छोटा सा कॉकरोच आपको नजर आया और वो कॉकरोच को आपने पकड़ा, पकड़ने के बाद आपने उसे थोड़ा सा दुबाने की कोशिश की तो आपने देखा उसकी जो अपर लेयर है वो थोड़ी सी हार्ड है, तो वो हार्ड अपर लेयर उसका एक्सोस्केलेटन है। इसी तरह हम एंडोस्केलेटन की बात करें तो एंडोस्केलेटन मैमल्स स्पेशली बर्ड्स में भी होता है, एम्फीबियंस में भी होता है, रेप्टाइल्स में भी, लेकिन हम यहाँ पर ह्यूमन की बात कर लेते हैं तो ह्यूमन का स्केलेटन जो है वो एंडोस्केलेटन है। अब मेरा बेटा इस स्केलेटन का कुछ रोल, क्या काम है स्केलेटन का? स्केलेटन की हम बात करते हैं इसके किरदार के हवाले से तो बात आ रही है रोल ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन का जब हम रोल देखें तो रोल में क्या बात कर रहा है, वो रोल में हमें बता रहा है कि ये क्या काम करता है। सबसे पहला काम प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करेगा। प्रोटेक्शन के हवाले से हम इस पॉइंट को देखेंगे। सपोर्ट, हमारी पूरी बॉडी एक इरेक्ट फॉर्म में जो हरकत कर सकती है, ठीक है, वो होगा सपोर्ट के हवाले से। मूवमेंट, मूवमेंट हरकत करना इधर उधर जाना,
प्रोटेक्शन की हम बात करें तो इंटरनल ऑर्गन की प्रोटेक्शन, जैसे आपका स्कल, आपकी खोपड़ी, ठीक है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखे हुए, रिब केज, ये जो आपका पसलियों का पूरा जाल है जो कि स्टर्नम के साथ अटैच है, तो रिब केज जो है वो आपका लंग्स, लीवर, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, वर्टिबल कॉलम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। और ये बातें आपने चैप्टर नंबर 1 और 3 के अंदर पढ़ी थी जहां आपने इनके बारे में जिक्र किया। उसके बाद